आपका क्वेश्चन है, ऑन अ ब्राइट संडे थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी डिसाइडेड टू गो फॉर फिशिंग एंड बोटिंग। दे डिसाइडेड टू लीव फॉर द प्लेस इन इवनिंग। द जर्नी वॉज स्मूथ। दे रीच टू द रिवर एंड स्टार्टेड टू सेट बोट फॉर सेल। दे वर इंजॉयड सेल विथ फुल स्पीड। दे स्टार्टेड बोटिंग फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर विथ अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग। दे टू 20 आवर्स इन ऑल। द टाइम टेकन बाय देम राइडिंग डाउनवर्ड इन गोइंग 14 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय देम राइडिंग अपस्ट्रीम इन गोइंग 6 किलोमीटर्स। फॉर कैलकुलेटिंग टेक स्पीड ऑफ बोट एज एक्स किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर एज वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है ना। तो यहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम समझते हैं ये क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहां पर देखो इसने क्या कहा, द टोटल डिस्टेंस इज 42 किलोमीटर्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग इज 42 किलोमीटर टोटल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, दे टू 20 आवर्स। 20 आवर्स उन्होंने लिया, 42 किलोमीटर्स गए एंड बैक आए। तो टोटल डिस्टेंस इज नाउ 84 किलोमीटर्स है ना इन 20 आवर्स ना। नेक्स्ट देखो क्या बोला है इसने, द टाइम टेकन बाय देम राइडिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में कितना है उन्होंने राइड किया है, दैट इज 14 किलोमीटर्स। ठीक है, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय राइडिंग देम अपस्ट्रीम इन 6 किलोमीटर्स। तो अब इसको समझना है आपको, द स्पीड ऑफ द बोट एक्स लेना है, स्पीड ऑफ द रिवर यू हैव टू टेक वाई। इसने क्या क्या कहा, सबसे पहले हमारा क्या होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वो आपको समझना है। तो ये देखो, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपस्ट्रीम एंड दिस इज योर डाउनस्ट्रीम। व्हेन वी आर गोइंग अप वी नीड एक्स्ट्रा फोर्स है ना। तो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, और अदरवाइज अगर आप स्टेडी जा रहे हैं तो आपकी स्पीड विल गेट रिड्यूस। तो दैट मींस अगर आपका बोट इज एक्स एंड रिवर जो बैक फ्लो कर रहा है तो वो वाई है, तो यहां पर आपका आ जाएगा अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। एंड हियर देखो डाउन स्ट्रीम में क्या है, रिवर इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू, तो इट विल कम एज एक्स प्लस वाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या क्या बोला इसने। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई, एक्स बाई वाई किलोमीटर्स। तो देखो डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है आपका, एक्स प्लस वाई। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन है ना। सेकंड देखो क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, तो क्या है एक्स माइनस वाई इज अप। तो एक्स माइनस वाई कहां पर है आपका, यहां पर। दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है नाउ नेक्स्ट देखो क्या बोला है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, नन ऑफ दिस। तो अब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में 42 किलोमीटर्स एक साइड में, तो हियर वी विल टेक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू वी कैन से डिस्टेंस बाय स्पीड है ना। तो टाइम वी आर नोइंग कितना है, 20 आवर्स इज टोटल जाना और आना है ना। तो वी विल राइट लाइक दैट ओनली। तो डिस्टेंस हाउ मेनी दे हैव गिवन, 42। तो वी विल पुट 42 बाई स्पीड
तो स्पीड एक साइड का आप ले लो, सपोज इट इज डाउनवर्ड्स, तो दोनों ही हमारा है, एक बार जाने का एक बार आने का. तो वी हैव टेकन दैट एक्स प्लस वाई प्लस सेम आपका वापिस आने का है, तो एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है. नाउ सेकंड देखो, इसमें और क्या कहा है. इसमें कहा है कि टाइम टेकन है ना, सेकंड वन इज टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम दिया है इसने. तो डाउनस्ट्रीम में देखो कितना है टाइम दिया है इसने, 14 किलोमीटर्स. तो ये आपका फर्स्ट हो गया. सेकंड इसका क्या है, तो सेकंड देखो क्या है, डाउनवर्ड. तो डाउन स्ट्रीम में आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई. तो वी कैन राइट हियर एक्स प्लस वाई, क्योंकि टाइम उसने इक्वल लिया है. तो कितने किलोमीटर्स पे, दैट इज 14 किलोमीटर्स, दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर उसने क्रॉस किया अपस्ट्रीम में, और दैट इज योर एक्स माइनस वाई इधर स्पीड. तो ये देखो आपके दो ऑप्शंस आ गए, वन एंड टू. ये आपका सेकंड हो गया, सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. तो वी कैन नाउ टेक एक्स प्लस वाई एस ए, एक्स माइनस वाई एस बी. ठीक है. तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. तो अब आपका इक्वेशन कैसे हो गया, इक्वेशन विल कम एज 42, दैट इज 1 बाई एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई इज ए. ठीक है. तो आप याद करने के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं, 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी. तो ये आपका आ गया 42a प्लस 42b इज इक्वल टू 20. और यहां पर क्या आ गया आपका, यहां पर आपका आ गया 14a इज इक्वल टू 6b. ठीक है. नाउ अब आपको करना क्या है, आप इसमें कोई भी मेथड डाल सकते हैं. ठीक है. नाउ तो यहां पर देखो 6b है, तो अगर आपको 42 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो हमने इसको किया मल्टीप्लाई बाय 7. तो अब क्या आ गया, ये आपका आ गया 42b इज इक्वल टू, ए देखो कितना हो गया, 28, टू कैरी 98a है ना. तो 98a इज इक्वल टू 42b. तो ये वाली वैल्यू वी विल पुट हियर. तो आपका देखो क्या आ जाएगा, 42a प्लस 98a इज इक्वल टू 20. दोनों को ऐड करो तो देखो कितना हो रहा है, 100, 140. तो 140a इज इक्वल टू 20. तो a इज इक्वल टू, वी कैन से देखो कट करो, 20 बाई 140, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 1 बाई 7. ठीक है. नाउ अब b की वैल्यू निकालते हैं. तो b की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं फर्स्ट वाले से. तो ये देखो आपका क्या है, 14 × 1/7 इज इक्वल टू 6b. ये कट करो, 2 आ गया. तो b इज इक्वल टू वी कैन से 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3. तो b इज 1/3, a इज 1/7. लेकिन हमने ए एंड बी को क्या लिया था, वी हैव टेकन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई है ना. तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ना, क्योंकि हमारा है 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/7. तो एक्स प्लस वाई हमारा हो गया 7. और यहां पर है b, तो हमारा है 1 बाई एक्स माइनस वाई,
इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, यहां पर इसको एड एंड सब्ट्रैक्ट करो यू विल गेट योर आंसर्स। तो ये देखो माइनस एंड माइनस गॉन, तो क्या हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 7+3 इज 10, तो x इज इक्वल टू वी कैन से 5। तो x हमारा क्या था, स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, अब y की वैल्यू देखते हैं, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, x 5 डाल दो यहां पर, तो आपका आ जाएगा 5+y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7-5 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज व्हाट। तो हमारा स्पीड ऑफ द बोट कितना आया था, 5, तो 5 लिखना है, तो 5 देखो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड देखो, द स्पीड ऑफ द रिवर इज व्हाट, तो स्पीड ऑफ द रिवर कितना आया है देखो स्ट्रीम का, 2, वाई है ना, तो 2, तो 2 इज योर करेक्ट आंसर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसने बोला है द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या था, x माइनस वाई, तो कितना हो गया 5-2 = 3, तो आपका 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इसको आपको करना है।